उत्तराखंड की सियासत के लिए आज का दिन बहुत अहम है। आज उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल बागी विधायकों के भविष्य का फैसला करेंगे। अभी 9 बजे विधानसभा अध्यक्ष बागी विधायकों का पक्ष सुनेंगे। बागी विधायकों का पक्ष सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष उनके भविष्य का फैसला करेंगे। इससे पहले शनिवार को देर रात तक चले सियासी ड्रामे के बाद राज्य की संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश ने साफ किया कि बागी विधायकों की सदस्यता अभी रद्द नहीं की गई। हालांकि पहले यह अफवाह फैली थी कि बागी विधायकों की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दी है। सूबे में हंगामे के आसार को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही बागी विधायकों के घरों के बाहर सुरक्षा के लिए आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। उत्तराखंड की सियासत में क्या होगा, इसका सस्पेंस किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। पहाड़ की राजनीति हर पल नए रंग दिखा रही है। हर गुजरते पल के साथ देहरादून से दिल्ली तक राजनीति नया रंग अख्तियार कर रही है। शनिवार को दिन भर चले राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच राजनीतिक सरगर्मी चलती रही। देर रात यह अफवाह तेजी से फैल गई कि उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। इस अफवाह के बाद राजनीति तूफान ने और तेजी पकड़ ली। लेकिन देर रात उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश का बयान आया। इंदिरा हृदयेश ने साफ किया कि बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, यानी हरीश रावत सरकार ने बागियों के लिए एक खिड़की अभी भी खोल रखी है। बेशक बागियों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस संगठन के नेताओं के सुर तल्ख हैं। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि बागियों ने जो काम किया है उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। उनके जो क्रियाकलाप रहे हैं, निश्चित रूप से संसदीय परंपरा, विधायक की परंपरा उत्तराखंड की कलंकित हुई है। और इस भावना से उत्तराखंड का निर्माण नहीं किया गया था कि आप पदलोलुपता में या पैसे के लालच में आप जो मत है, जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसको बेचने का काम करें, तो ये बहुत ही निंदाजनक जो है वो कार्य है। शनिवार यानी 26 मार्च को 9 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखना था। बागी विधायक सुबोध उनियाल ने अपने वकील के साथ उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखा। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष जी संविधान के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए अध्यक्ष की मर्यादा के तहत निश्चित रूप से न्याय करेंगे। बहुत मुश्किल से तो वो तैयार हुए। कल 9 बजे हम जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास है मैं दे दूंगा आपको। तो जब आप कागज दे रहे हो तो फिर सुनवाई की तिथि फिक्स निश्चित करो दोबारा। और फिर तो हम लोगों ने कल ही कहा साहब कल सुन लीजिए और वो उठ के चले गए। विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन बागी विधायकों का अंदेशा है कि आखिर क्या फैसला हो सकता है। इसलिए बागी विधायकों के निशाने पर विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। पूरी हियरिंग समाप्त हो चुकी है, अब कोई बात नहीं होगी। केवल जो हमारे पास सूचनाएं उपलब्ध होंगी, जो वो चाहते हैं, अगर वो हमारे पास होंगी तो उनको देख करके कम से कम। बहुत ही गंभीर मामला है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने वकीलों को बहस करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं कोई बहस नहीं सुनूंगा, आपका पक्ष आ गया, अब आप जाएं। ये बिल्कुल अपने पद का दुरुपयोग है। विधानसभा अध्यक्ष बागी विधायकों को लेकर क्या फैसला लेते हैं, ये चंद घंटों में साफ हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति में फिर दांव पेच का खेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हरीश रावत सरकार के सामने बहुमत साबित करने के लिए महज 24 घंटे का वक्त है। दिल्ली से अनुराग चड्डा के साथ सोनू सिंह, इंडिया 24/7, देहरादून। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, देहरादून से हैं सोनू सिंह। और यहां दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसे बताने के लिए सर्वेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले रुख करेंगे सोनू का। सोनू, गोविंद सिंह कुंजवाल इस समय वो शख्स हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें हैं, जिन पर कांग्रेस के उन 9 बागी विधायकों के साथ साथ पूरी पार्टी, पूरी सरकार की निगाहें लगी हुई हैं कि वो क्या फैसला देते हैं। जरा हमारे दर्शकों को पहले संक्षेप में
कुंजवाल साहब से परिचित करा दीजिए कि कुंजवाल साहब कहां से जीतते हैं, वो किस तरीके की राजनीति करते हैं, कैसे उनके बयान कभी लगता है कि वो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, और कभी जब सरकार इतने बड़े संकट में पड़ जाती है तो वो बहुत बड़ी चट्टान बनकर के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा शेखर आपने। यदि हम कुंजवाल जी की बात करें तो अल्मोड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं और उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हरीश रावत इनके बेहद करीबी हैं, और इन्हीं के सहयोग से जब बहुग्रा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त इनको विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई थी। उसके बाद जब तक बहुग्रा यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे तो बड़े तीखे बयान इनके आते थे, और ऐसा हम नहीं तमाम जनमानस इस बात को मान रहा है, तमाम टीवी चैनल्स पर तमाम अखबारों में सुर्खियाँ बने हैं इनके बयान। और जब से इनके करीबी यानी हरीश रावत जो है वो इन मुख्यमंत्री की कमान संभाल चुके हैं, उसके बाद से जो इनके सुर हैं वो उनमें नरमाहट आई है, तो इस तरीके का जो नेचर है वो विधानसभा अध्यक्ष का रहा है। और जैसा कि विपक्ष के नेता आरोप लगाते आ रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने अपील की थी कि वो मत विभाजन चाहते हैं, वित्त विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले वो अपनी इच्छा प्रकट कर चुके थे, लेकिन उसको नहीं सुना गया, ऐसा हम नहीं कह रहे। इस तरीके के जो सवाल खड़े किए गए हैं वो विपक्ष के नेताओं ने और जो कांग्रेस के तमाम विपक्ष के पाले में खड़े हुए विधायक हैं, नौबागी विधायक, उन लोगों ने इस सवाल को खड़ा किया था, और जब यहां से वो संतुष्ट नहीं हुए इसके बाद उनको राज्यपाल की शरण लेनी पड़ी। दूसरा जो आज का दिन है शेखर वो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो राज्यपाल जो गोविंद सिंह कुंजवाल हैं वो मन बना चुके हैं क्या करना है, लेकिन एक रणनीति ये भी चल रही है कि जो बागी विधायक हैं इनको कोर्ट जाने का समय ना दिया जाए, यही वजह है कि डिले हो रहा है। अगर एक रात एक रोज पहले की बात करें, हम रात की बात करें, तो बार बार ये चीजें सामने आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट में क्या फैसला होता है, यदि केंद्रीय कैबिनेट में राष्ट्रपति शासन के लिए यस हो जाता है तो उसके बाद ये एक्शन लेंगे, और हम विधानसभा पर मौजूद थे, विधानसभा अध्यक्ष अचानक आनन फानन में आते हैं और 10 से 15 मिनट के दौरान विधानसभा में रुकते उसके बाद चले जाते, तो सूत्रों ने इस तरीके का इशारा किया था कि संभवतः वो सिग्नेचर करने आए थे उस पत्र पर जिसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए नौबागी विधायकों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन पुष्टि किसी ने नहीं की। जब ये खबरें चलने लगी तो उसके बाद फिर इंदिरा हृदय जी सामने आई और उन्होंने इस बात को कहा कि अभी किसी तरीके का कोई फैसला नहीं लिया गया। आप मेरे साथ बने रहिए, सोनू, हम गोविंद सिंह कुंजवाल साहब को आपके जरिए अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि कौन है, हम सर्वेश के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो नौ विधायक हैं जिनके भविष्य का फैसला होना है ये भी समझना जरूरी है कि ये हैं कौन जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की है। विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, अमृता रावत, शैला रानी रावत, उमेश शर्मा, प्रदीप बत्रा, शैलेंद्र मोहन सिंघल, सुबोध उनियाल और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन शामिल हैं। अब आज विधानसभा अध्यक्ष बागी विधायकों के भविष्य पर अपना फैसला सुनाएंगे, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके का है। हम आपको बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एक विधायक की तरफ से दाखिल जवाब को जिस तरह से स्पीकर ने खारिज किया, इससे ऐसा लगता है कि अब इन विधायकों को अपना पक्ष रखने का वक्त नहीं दिया जाएगा। ऐसे में पहली संभावना यह है कि विधानसभा में विश्वास मत की प्रक्रिया से पहले स्पीकर इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने का ऐलान कर दें। सदस्यता रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ नौ बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के फैसले पर स्टे लगा सकता है। हालांकि इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में लंबा वक्त लगेगा। दूसरा यह होगा कि नौ विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद विधानसभा की सदस्य संख्या 61 हो जाएगी, बहुमत का आंकड़ा घटकर 31 रह जाएगा। सोमवार को हरीश रावत कांग्रेस के 27 और पीडीएफ के 6 विधायकों के समर्थन में विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दें, ऐसे में वो कुछ वक्त तक सरकार चला पाएंगे, क्योंकि ऐसी सूरत में बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होगा। तीसरा यह है कि संभावना इस बात की भी है कि सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद हरीश रावत खुद ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें, तब सूबे में नए सिरे से विधानसभा चुनाव होंगे। हरीश रावत के साथ सहानुभूति हो सकती है। हरीश रावत पहले ही बीजेपी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगा चुके हैं।
हमारे संवाददाता सर्वेश और सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं आप सर्वेश का और दिल्ली की गतिविधियां समझते हैं। ये तीन संभावनाएं हमने आपको बताई कि उत्तराखंड में क्या हो सकता है। सर्वेश, अब ये बताइए कि दिल्ली में किस तरीके से अपनी नजर बनाई है बीजेपी ने और क्या है उसका स्टैंड? देखिए शेखर, बीजेपी ने पल पल की जो खबर है, जो पल पल का अपडेट है, जो सियासी सरगर्मी तेज हो रही है उत्तराखंड में, उस पर नज़र बना के रखी हुई है और हर एहतियात भी बरत रही है कदम उठाने से पहले। मैं आपको बता दूं कि जब मेरी कल बीजेपी के नेताओं से बात हो रही थी, उनके प्रवक्ताओं से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर नज़र बना के रखी हुई है, जब सही वक्त आएगा तो वह सही कार्रवाई करेगी। यानी कि जिस सिंपैथी की बात अभी आप कर रहे थे कि जिस हरीश रावत जिस सिंपैथी को ले सकते हैं, उसका वक्त बीजेपी उनको नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि पूरा टाइम दिया जा रहा है हरीश रावत सरकार को कि वो बहुमत अगर नहीं साबित कर पाते हैं या किसी भी वजह से उनकी सरकार गिर जाती है तो फिर बीजेपी पे आरोप नहीं लगेगा। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और आज फिर कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है लेकिन रणनीति पे चर्चा हो रही है। कुल मिला जुला के अगर शेखर बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि जो उत्तराखंड में हो रहा है अगर वो ऐसे ही हो जाए तो अच्छा है कि बीजेपी पे कोई आरोप नहीं लगेगा, वरना ये बिल्कुल सही है कि अगर सरकार इस तरह से इनकी गिर जाती है और जिस तरह से हरीश रावत आरोप लगा रहे हैं, चाहे कल उन्होंने पीसी करके आरोप लगाई देहरादून में या फिर प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने दिल्ली में पीसी करने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री पे और बीजेपी के लोगों पे आरोप लगाया, अगर ऐसा होता है तो वाकई हरीश रावत को सिंपैथी मिलेगी और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से पहले कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। शेखर, आप हमारे साथ बने रहिए, सोनू भी हमारे साथ बने हुए हैं। वैसे ये भी देखना बहुत दिलचस्प है कि बीजेपी इस जगह पर आकर के और किस तरीके का स्टैंड लेती है। उत्तराखंड में पल पल बदल रही सियासत पर केंद्र सरकार की भी नजर है। हालात पर चर्चा के लिए शनिवार देर रात कैबिनेट की बैठक हुई। असम दौरे से लौटने के बाद पीएम ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उत्तराखंड के हालात पर चर्चा की, लेकिन केंद्र सरकार भी फिलहाल वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। आज फिर कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की शह पर उत्तराखंड में सरकार गिराने की साजिश रची गई। उत्तराखंड की सियासी तपीश सिर्फ देहरादून के पहाड़ों पर ही नहीं महसूस की जा रही है बल्कि रायसेना हिल्स में भी इस गर्मी का असर दिख रहा है। उत्तराखंड में देर रात तक बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर अटकलों का दौर जारी रहा तो दिल्ली में पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट की बैठक में भी उत्तराखंड के हालात पर चर्चा हुई। देर रात तक चली मोदी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड के राजनीतिक हालात पर माथापच्ची होती रही लेकिन सुबह के भविष्य को लेकर मोदी कैबिनेट कोई आखिरी फैसला नहीं कर पाई। शायद तेजी से बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंतजार करना ही मुफीद समझा हो। हालांकि बीजेपी अभी यही कह रही है कि उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इस सरकार का जाना तय है। विधानसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ माननीय 28 सदस्यों ने अविश्वास का प्रस्ताव दिया है, वो कैसे उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? आखिर नियम और कानून है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर जो हरदा कहे वही कानून, वही अंबिका सोनी जी कह रही, वही केंद्र की कांग्रेस कह रही है, क्योंकि हरीश रावत जी महाभ्रष्टाचार करते हैं और दिल्ली पैसा भेजते हैं तो दिल्ली के नेता भी उनके गुणगान कर रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के पास महज चंद सूबे बचे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ऐसे ही हालात में अपनी सरकार गवा चुकी है, लिहाजा उत्तराखंड को लेकर उसके सुर तल्ख हैं। कांग्रेस भी उत्तराखंड में चल रहे राजनीतिक हालात पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस ने पूरे संकट के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कानूनी प्रक्रिया शुरू है, उसको आप अंतिम चरण तक तो पहुंचने दो। जब इनके सामने कोई और रास्ता नहीं था तो ये इस सिनेमा की, इस फिल्म की, इस ड्रामे की अंतिम कड़ी पर आप पहुंच गए। उत्तराखंड के सियासी पिक्चर की पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। केंद्र सरकार वेट एंड वॉच की मुद्रा में है तो कांग्रेस हर सूरत में अपनी सरकार बचाना चाहती है। ऐसे में सारा दारमोदार विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रहेगा। हालांकि उसके बाद भी लंबी कानूनी लड़ाई का रास्ता बाकी है। देहरादून से सोनू सिंह के साथ अनुराग चड्डा, इंडिया 24/7, दिल्ली।
हम एक बार फिर से रुक करेंगे। सोनू और सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस को यह बात सूट करती है उसकी पॉलिटिक्स को कि जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़े, साजिश का आरोप लगाए और अगर सरकार गिरती है या जो स्थितियां बनी है उसके लिए सिंपैथी वोट कांग्रेस की तरफ मोड़ सके। लेकिन ऐसे में बीजेपी क्यों इतना ज्यादा आशंकित है? मतलब ऐसा लग रहा है बीजेपी को देख करके कि वो ये चाहती है कि कुछ उसके हाथ भी लग जाए और वो बची भी रहे, उसके ऊपर किसी तरीके की छींटे भी ना उड़े। वो ये भी नहीं कह पा रही है कि उसी के विधायक को तोड़ करके ये सरकार बनी और अभी जो स्थिति बनी है वो कांग्रेस की अपनी अंदर की भीतर घात है, उन्हीं के तो 9 विधायक गए हैं बाहर। शेखर, बहुत अहम सवाल आपने किया है। देखिए, ये जो पूरी सियासी कसरत है इसका जो आधार है वो आज भले ही कानूनी दांव पेच में फंस गया हो, लेकिन जो फोकस है इसका वो 2017 के चुनाव में जीत हासिल करना है। यही वजह है कि एक रोज पहले जब हमारे संपादक जी ने इस बात को बताया था कि भगत सिंह कोश्यारी ने साफ बोल दिया है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर सरकार बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्योंकि समय नहीं है। अब कुछ समय बाद, कुछ माह बीतने के बाद यहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो जाएंगी। तो ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके का कोई भी माइलेज जो है वो कांग्रेस को नहीं देना चाहती है। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी सर्वेश भी बता रहे थे कि जो बीजेपी है वो कोई आरोप नहीं लेना चाहती है, शायद यही वजह कि एक फूक फूक के कदम रख रही है। और ये बात बिल्कुल सही है, पूरा जग जाहिर है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह, कांग्रेस का आपसी घमासान, कांग्रेस का जो सरफुटव्वल है वो अब सड़कों पर आ गया, जग जाहिर हो गया। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो ये जो 9 बागी विधायक दिल्ली में गए हैं और विरोध के स्वर जिन्होंने मुखर किए हैं सरकार को लेकर के, और ये लोग शायद कांग्रेस से अलग नहीं होते और सरकार यहां पर ठीक ठाक से चल रही होती। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत का जो मैनेजमेंट है, कांग्रेस की जो आपसी खींचतान है, उसका ही एक परिणाम हम ये कांग्रेस के परिणाम हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये जो रिजल्ट है आपसी खींचतान का, ये इस रूप में सामने आ रहा है। तो खास तौर पर बीजेपी इसलिए फूंक फूंक के कदम रखना चाहती है कि प्रदेश की जनता में उसकी इमेज ऐसी रहे कि वो 2017 का टारगेट जो है उसको फतेह कर सके। बिल्कुल सर्वेश, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है यहाँ दिल्ली में, उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई ऐसा कदम ना उठ जाए जिससे छींका या जो आरोप हैं, आरोप का पूरा बारूद इधर गिर जाए, या फिर कुछ ऐसी चर्चा भी है कि अगर मौका मिले तो चल पड़ते हैं? देखिए शेखर, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि बीजेपी किसी रणनीति पे काम नहीं कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस रणनीति पे काम कर रही है उसी तरह से बीजेपी भी रणनीति पे काम कर रही है। बीजेपी की जो प्रदेश इकाई है उत्तराखंड में वो आक्रामक है। आप देखेंगे कि चाहे श्याम जाजू हों या कैलाश विजयवर्गीय हों, वो जमकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल कैबिनेट है या बीजेपी के सेंट्रल प्रवक्ता हैं, वो इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं ताकि सीधे सीधे कोई भी आरोप प्रधानमंत्री पे या केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री पे ना लगे, यही वजह है। लेकिन आप देखेंगे कल जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें जो प्रदेश की इकाई रही हो, जो प्रदेश के नेता रहे हो, चाहे जो बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता रहे हो, उन्होंने जमकर कांग्रेस पे हमला बोला है। और आज भी आपको बता दूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट की बैठक होनी है, उससे पहले दिन भर उत्तराखंड में क्या होगा, वो जो बागी विधायक हैं उनको लेकर स्पीकर क्या फैसला लेते हैं, किस तरह का उनको वक्त दिया जाता है, उन सारी चीजों के बाद जो दिन भर का घटनाक्रम होगा उसके बाद शाम को जब कैबिनेट बैठेगी तो कोई फैसला ले सकती है। लेकिन शेखर, मैं आपको बता दूं बीजेपी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाने वाली है, क्योंकि जैसी अभी चर्चा हो रही थी कि बीजेपी खुद भी वहां सरकार बनाना नहीं चाहती है, लेकिन जो 2017 में चुनाव होने वाला है उसका लाभ जरूर बीजेपी लेना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि बीजेपी भी ये जानती है कि अगर जल्दीबाजी में उसने कोई कदम उठाया या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कदम उठाया तो जो आरोप बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं वो साबित हो जाएगा, और शायद इसी से बचने के लिए बीजेपी कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही है। लेकिन बीजेपी भी अपने रणनीति पे काम कर रही है, और जो आज के 12 घंटे हैं यानी कि कल सुबह तक बताएं कि 24 जो घंटे हैं वो काफी अहम है, क्योंकि सियासी सरगर्मी तेज तो होगी। इसके साथ दोनों तरफ से कई फैसले लिए जा सकते हैं, तो अब इंतजार करना होगा कि आज दिन भर में उत्तराखंड में क्या घटनाक्रम होता है, उसके बाद सेंट्रल कैबिनेट की जो बीटिंग होती है। सर्वेश, आप मेरे साथ बने रहिए, और हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि उत्तराखंड में चौथी संभावना किस तरीके की, विश्वास मत को लेकर विधानसभा की कार्यवाही राज्यपाल देखें, अगर उसमें किसी तरह की गड़बड़ी का एहसास हो तो वो उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दें। इस स्थिति में गवर्नर सिफारिश कर सकते हैं कि विधानसभा भंग कर दी जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये भी सिफारिश कर सकते हैं कि विधानसभा को सस्पेंड एनिमेशन में रखा जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ऐसी हालत में हरीश रावत की सरकार का जाना तय है और आखिरी फैसला केंद्र सरकार को लेना होगा।
सर्वेश और सोनू हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।